हाय दोस्तों, मैं हूँ खिलेश वर्मा और आप देख रहे हैं माय गिटार सपोर्ट। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेसन है ये होगा ये गिटार का जो रॉड है, गिटार का जो नेक है, इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और बेंड होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू एलन कीज, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये की यूज करना है आपको। और वैसे तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं ये एक और गिटार है यामाहा का, तो ऑलमोस्ट उसका अभी कोई इशू नहीं है, वो नया गिटार है। तो मैंने इसको एडजस्ट किया है, आपको भी बताता हूँ किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका नेक बेंड है तो, ठीक है। तो इसके सबसे पहले ये बेंड होने का रीजन क्या है मैं वो बताता हूँ आप लोग को, और इसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं मैं वो भी बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर प्ले नहीं करते हैं, ठीक है, गिटार जैसे आपका रखा रह जाता है, कहीं बाहर चले जाते हैं आप 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि इसको अनट्यून करके थोड़ा रख दीजिए, ठीक है, जिससे ये बैंड नहीं होगा। बैंड का मतलब क्या होता है इसमें, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जितनी भी तारे इस पे लगी हुई है, ठीक है, इसके तनाव के कारण, इसका जो खींचने के कारण, ये जो आपका इस पे जो रॉड लगा होता है अंदर, ठीक है, वो क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरीके से, या तो इसके खींचने के कारण वो रॉड इस तरीके से हो जाता है, इस शेप में आता है वो, या वो इस शेप में आता है, ठीक है, या कर्व शेप में आ जाएगा इसे खींचने के कारण, ठीक है, या फिर थोड़ा इस शेप में होता है, अगर ज्यादा टाइट होगा तो इस शेप में हो जाएगा ये। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहां अंदर अगर आप देखेंगे इधर नीचे ये दिख रहा है आपको, तो यहां पर एक होल होता है, ठीक है, जहां पर एक रॉड लगी होती है, ये रॉड यहां से यहां तक एडजस्ट करती है, ठीक है। तो इस रॉड को हमको एडजस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज कीज, इसको बोलते हैं एलन की बोलते हैं इसको, या इसको ट्रस रॉड भी बोलते हैं, आप ट्रस रॉड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इसलिए है क्योंकि एक मेरा आप गिटार देख पा रहे हैं पीछे यामाहा का गिटार रखा हुआ है, तो ये उसके साथ मिला था और ये मैंने खुद परचेज किया था। ये अलग अलग तरीके से आती है बट स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से ये है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, इस चीज को अगर आपने इससे पहले कभी नहीं किया है तो बहुत केयरफुली करिएगा, क्योंकि ये गिटार अगर आप इसे केयरफुली नहीं एडजस्ट करते हैं तो ये बैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर यहां आवाज कर रही है, अभी तो मैंने गिटार को ये अनट्यून करके रखा है, अगर आपकी गिटार कभी इस तरीके से बज आवाज आती है यहां से, ठीक है, बज आवाज आती है, इसका मतलब यहां टच हो रहा है, तो आपको इसको लूज करना है थोड़ा, ठीक है, ताकि तार थोड़े लूज हो जाए और यहां आवाज ना करे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये तार बहुत ज्यादा आपके फ्रेट से दूर है तो इसको थोड़ा टाइट करना है, ठीक है, ये दो ऑप्शन है। तो ये किस तरीके से होगा, इसको आपको लगाना है अंदर एंटी क्लॉकवाइज, या इस तरीके से घुमाना है, इधर घुमाते हैं तो ये टाइट होगा, जैसे एक नट बोल्ट को अपन ये नल को घुमाते हैं, ठीक है। तो इधर अगर हम करते हैं अपन इस तरीके से, अंदर डालने के बाद इसको अगर अपन इस तरीके से घुमाते हैं तो वो टाइट होगा, और इस तरीके से घुमाते हैं तो लूज होगा, लूज होगा तो ये बाहर आएगा, टाइट होगा तो ये अंदर जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज्यादा नहीं घुमाना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका नेक टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको बहुत आराम से करिए, थोड़ा सा करिए, एक बार करने के बाद इसको 20 मिनट 25 मिनट जैसा भी समय के हिसाब से छोड़ दीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने थोड़े शेप में आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसको टाइट किया और ये आप अभी करते जा रहे तो वो नहीं करना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइट करना है, ऑलमोस्ट 10-20 डिग्री, ठीक है, ऐसा 30 डिग्री धीरे धीरे इसको करना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करके इसको छोड़ दीजिए, फिर देखिए थोड़ी देर बाद इसका या तो फ्लैट से थोड़ा अप हो गया होगा, अगर आप टाइट करते हैं इस तरीके से घुमाते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, इधर से घुमाते हैं तो थोड़ा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो
तो उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लिया। अभी मैंने इसको थोड़ा सा टाइट किया है, और ये कैसे करना होता है आपको, ये जो चीज दिख रही है इसको यहाँ डालना है, और ये देखिए अंदर होल है, ये होल, इस होल में इसको डालना है, ठीक है, इस तरीके से। मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको फिर इधर, अगर आपको जैसे मैंने बताया, अगर मैं इस तरफ करता हूँ तो वो टाइट होगा, अगर मैं इधर लाता हूँ तो लूज होगा, क्योंकि मैंने इसको टाइट किया हुआ है अभी 20 मिनट पहले। तो अभी मैं इसको चेक करके देखूंगा ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे ठीक लग रहा है ये, अदरवाइज बजिंग की साउंड यहाँ आ सकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, बी केयरफुल बिफोर डूइंग दिस, आपको मेक श्योर दैट योर कीज, जो ट्यूनिंग कीज है वो लूज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है ट्यूनिंग की, उसको लूज कर दीजिए, अनट्यून कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको करिए तो कोई इशू नहीं होगा। अभी इसको मैंने अनट्यून किया हुआ है, और अभी मैं इसको ट्यून करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी किसी गिटार में ये यूज होता है, ठीक है, नॉर्मल गिटार में, और ये यामाहा का है जो मैंने मंगवाया था, ये उसके साथ मिला है मुझे, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसे आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं, सॉरी एडजस्ट कर सकते हैं इस रॉड को, ठीक है, इसको, और इसकी लाइफ भी फिर वो अच्छी रहेगी इसके हिसाब से, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके अलावा आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये इनको निकालने के बाद, ये जो ब्रिज है इनको निकालने के बाद आप इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। आपके पास कोई स्पेस है जहां पर आप इसको रब घस सकते हैं इस तरीके से, तो उसको निकाल के, या तो कोई जहां खुरदुरा सा एरिया हो वहां पर रख के उसको रब करिए ताकि वो बराबर हो जाए, और उसको भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी आप देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास ये सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर आप लेके इसको कर सकते हैं।